बहुत समय पहले की बात है, कुछ डाकू लूट का सारा सोना लेकर जंगल में उसे कहीं छुपाने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई सुरक्षित जगह दिखाई नहीं देती। सरदार, हमने इतना सारा सोना तो इकट्ठा कर लिया है, लेकिन इसे छुपाए कहाँ? अगर हमने इसे पेड़ पर छुपा दिया तो किसी न किसी की नजर जरूर इस पर पड़ जाएगी। तुम सही कहते हो कालिया, हमें सोने को पेड़ पर नहीं छुपा सकते। तुम सब मिलकर एक काम करो, यहीं एक गहरा सा गड्ढा खोदकर सारा सोना उसमें छुपा दो। फिर सब चोर मिलकर एक गहरा गड्ढा खोदने लगते हैं। कुछ ही देर में वे सब मिलकर एक गहरा गड्ढा खोद देते हैं। तभी उन्हें उस गड्ढे से बहुत तेज बदबू आने लगती है। कालिया उसमें झांक कर देखा है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे गड्ढे में एक चुड़ैल दिखाई देती है। डर के मारे उसकी आवाज ही बंद हो जाती है। क्या हुआ कालिया, तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम क्यों हो गई? ऐसा क्या देख लिया तुमने? तभी देखते ही देखते वह चुड़ैल उस गड्ढे में से बाहर आ जाती। वह आकार में बहुत बड़ी होती है। वह सब डाकू बहुत डर जाते हैं और दुम दबाकर वहां से भागने लगते हैं। अरे भागो, अरे ये तो कोई चुड़ैल है, ये तो हमें कच्चा ही खा जाएगी। सरदार, जल्दी यहां से भागो, भागो। अरे सब के सब यहां से निकलो, जल्दी जल्दी भागो। फिर वे सब किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। अरे सरदार, हमारा सारा सोना तो वहीं रह गया ना, तो अब क्या करें? अरे कालिया, सोना तो हम फिर से लूट लेंगे, अभी अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी है, हमें यहां से निकलना होगा। हो सकता है वो चुड़ैल हमारा पीछा कर रही हो। भागते भागते वे लोग एक गांव में पहुंच जाते हैं। अरे भाई साहब, क्या हुआ? आप लोग क्यों भाग रहे हो? अरे भाई, क्या बताएं? हमने बहुत मेहनत से एक संदूक भरकर सोना इकट्ठा किया था। हम उस सोने को ठिकाने लगा ही रहे थे कि वो एक चुड़ैल आ गई। हम किसी तरह वहां सारा सोना छोड़कर अपनी जान बचाकर वहां से आए हैं। मेरी मानो रात बहुत हो गई है, तुम भी अपने घर की ओर निकल लो। इतना बोलकर वे सारे डाकू वहां से चले जाते हैं। जगीरा महान लालची होता है, सोने का नाम सुनते ही अमीर बनने का ख्वाब देखने लगता है। अरे बाबा, ये डरपोक तो अपना सारा सोना छोड़कर वहां से भाग आए। यही सही मौका है अमीर बनने का, मुझे अभी जंगल जाकर देखना होगा आखिर माजरा क्या है। फिर वह भागता हुआ जाता है और सीधा जंगल पहुंच जाता है। वहां उसे एक बड़ी सी चुड़ैल दिखाई देती है। वह उस गड्ढे के पास खड़ी हुई होती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी चुड़ैल है, मुझे बहुत भूख लगी है, वह सारे तो भाग गए, अब मैं क्या खाऊं? तभी उसकी नजर उस सोने के संदूक पर पड़ती है। लगता है इस संदूक में जरूर कुछ खाने का होगा। फिर उस संदूक को खोलती है और सारे सोने के सिक्कों को खा जाती है। अरे मर गए रे मूर्ख चुड़ैल, ये तूने क्या किया? सारे सोने के सिक्के ही खा गई, मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया, अब क्या करूं? अरे लेकिन ये कोई भोजन तो था नहीं जो चुड़ैल इसे हजम कर जाए। ये सोने के सिक्के इस चुड़ैल के पेट के अंदर ही होंगे। बस मुझे इन सोने के सिक्कों को इसके पेट से किसी तरह बाहर निकालना होगा। ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे लल्लन की जरूरत पड़ेगी। वह सीधा भागता हुआ जाता है और लल्लन के घर पहुंच जाता है। अरे दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, मैं बहुत जरूरी काम से आया हूँ। तभी लल्लन की पत्नी बाहर आती है। जगीरा को देखकर वह गुस्सा हो जाती है। अरे तुम फिर आ गए, तुम्हें कहा था ना मेरे पति से दूर रहना, जब भी वह तुम्हारे साथ होते हैं किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। अरे यार, ये ऐसे नहीं मानेगी। अरे भाभी जी, मैंने तो लल्लन से कुछ पैसे उधार लिए थे, वही लौटाने आया था। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। अरे रुकिए रुकिए, लल्लन भैया आप दोबारा आने की तकलीफ क्यों उठाएंगे, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाती हूँ। फिर वह सीधा भागकर लल्लन के पास जाती है। अजी सुनिए, लक्ष्मी आपका गेट पर इंतजार कर रही है, जल्दी जाइए ना, लक्ष्मी को ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाना चाहिए। अरे बाबा, ऐसी पत्नी तो भगवान सबको दे, मैं अभी जाता हूँ, तुम जाकर सो जाओ, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं पैसों की बात कर रही हूँ जो तुम्हारा दोस्त जगीरा तुम्हें लौटाने आया है। अच्छा, मैंने तो कुछ और ही समझा था, जगीरा पैसे लौटाने आया है, ये कैसे हो सकता है? फिर वह जगीरा से मिलने घर के बाहर जाता है। अरे भाई लल्लन, जल्दी मेरे साथ चलो, हमें अभी अभी चुड़ैल के पेट के अंदर जाना है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो ये बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अरे यार तुम बस मेरे साथ चलो, अगर तुम्हारी पत्नी बाहर आ गई तो फिर से चिक चिक शुरू कर देगी, चलो जल्दी चलो। जगीरा लल्लन को अपने साथ लेकर जंगल की ओर चल देते हैं और कुछ ही देर में वह चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। चुड़ैल को देखकर लल्लन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुम सही कहते थे भाई, यहां तो सच में चुड़ैल है, ये तो बहुत बड़ी है भाई, क्या इसी ने डाकुओं का सारा सोना निगल लिया है? हाँ भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा था इसे, सोना निकलते हुए हमें उसी सोने तक पहुंचना है। भाई हम इसके पेट में पहुंच तो जाएंगे, लेकिन सोना लेकर बाहर कैसे आएंगे? अगर हम बाहर नहीं निकल पाए तो ये चुड़ैल तो कुछ ही देर में हमें हजम कर जाएगी। अरे तुम घबराओ मत, मैं कुछ ना कुछ तरकीब निकाल लूंगा बाहर आने के लिए।
लेकिन फिर हम इसके पेट के अंदर जाएंगे कैसे? वे दोनों भाग कर जाते हैं और सीधा चुड़ैल के पास पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। चुड़ैल, हम तुझसे नहीं डरते, देख हम तेरे सामने ही खड़े हैं, हिम्मत है तो हमें खाकर दिखाओ तुम्हारी हिम्मत। मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ अपनी जिंदगी में नहीं देखा जो खुद मेरा भोजन बनकर मेरे पास चला आया है। रुक, तेरी इच्छा अभी पूरी कर देती हूँ। फिर चुड़ैल उन दोनों को अपने मुंह के अंदर खींच लेती है। अरे मैं तो मर गया, आज मैं नहीं बचूंगा, ये जगीरा तो मुझे आज मरवा कर ही छोड़ेगा। अरे मर गए रे। वे दोनों सीधा चुड़ैल के पेट के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां बहुत सारे कंकाल तैर रहे होते हैं। अरे जगीरा भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं तुम्हारी बातों में आ गया। मेरी बीवी सही कहती थी, तुम्हारी संगति की वजह से मैं एक दिन जरूर मुसीबत में फंस दूंगा। अब क्या होगा, ये बच्चों की तरह रोना बंद कर दे, सामने सोने के सिक्कों का ढेर लगा हुआ है। हम तो माला माल हो गए, हमारी तरकीब तो काम कर गई। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस चुड़ैल के पेट में सोने के सिक्कों का भंडार लगा हुआ है। लेकिन भाई, हमें सोने के सिक्कों को इसके पेट से बाहर कैसे लेकर जाए? इस वक्त तो खुद हमारी जान के लाले पड़े हुए हैं, तो इन सिक्कों का हम क्या करेंगे? बस कुछ ही देर में यह चुड़ैल हमें हजम कर जाएगी। जगीरा भाई, कुछ ना कुछ करो, नहीं तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। यहीं पर भाई, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। मेरे पास इनके पेट के अंदर आने की तरकीब तो थी, लेकिन बाहर कैसे निकलेंगे इसकी तरकीब तो मैंने बनाई ही नहीं। तेरा नास मिटे लल्लन, आज तो तूने मुझे सच में मरवा ही दिया, अब मेरा क्या होगा? भगवान कुछ करो, मैं इस चुड़ैल के पेट के अंदर नहीं मरना चाहता। प्रियतम, तुम कहाँ हो? अरे ये कहाँ चले गए? जरूर ये जगीरा इन्हें अपने साथ ले गया होगा, लेकिन बहुत देर हो गई, अब तक ये वापस क्यों नहीं आए? कहीं ये किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? मुझे इन्हें ढूंढना होगा। फिर वो लल्लन की तलाश में निकल जाती है, तभी एक आदमी भागता हुआ उसके पास से गुजरता है। अरे भागो रे, जंगल में तो बहुत बड़ी चुड़ैल है। अरे मर गए। अरे अरे भाई रुको रुको, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? अरे क्या बताऊं बहन, जंगल में एक चुड़ैल आ गई है, उसने अभी अभी मेरी आंखों के सामने दो लोगों को निगल लिया है। यहाँ रुकना सही नहीं है, तुम यहाँ से जल्द निकल जाओ। हे भगवान, कहीं ये चुड़ैल मेरे पति को तो नहीं निकल गई? फिर वह उसी चुड़ैल की तलाश में जंगल में घुस जाती है। थोड़ी दूर चलने पर उसे वह चुड़ैल दिखाई देती है। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी है, जरूर इसी ने मेरे पति को निगला होगा, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। फिर वह भागकर वापस अपने घर जाती है। कुछ ही देर में वह उस चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। चुड़ैल, देख मैं तेरे सामने ही खड़ी हूँ, हिम्मत है तो मुझे खाकर दिखा। अरे वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है, आज तो मेरा भोजन खुद ही मेरे पास चलकर आ रहा है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। फिर वो चुड़ैल अपना मुंह खोलकर उसे भी अपने पेट के अंदर खींच लेती है और वह भी अपने पति के पास पहुंच जाती है। लल्लन अपनी पत्नी को वहां देखकर हैरान रह जाता है। अरे प्रियतम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम मेरी जान बचाने यहाँ आई हो? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। कोई बात नहीं, अभी हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। भाभी मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से लल्लन भी यहाँ फंस गया है। लेकिन भाभी इसमें क्या है? इसमें मिट्टी का तेल है, इससे इस चुड़ैल का हाजमा खराब हो जाएगा और ये उल्टी करने के लिए मजबूर हो जाएगी और हम इसके पेट से बाहर निकल जाएंगे। फिर मेरा सारा तेल उसके पेट में पलट देता है। थोड़ी ही देर में चुड़ैल का हाजमा बिगड़ जाता है। अरे अरे ये मुझे क्या हो रहा है, अचानक से मेरा मन उल्टी करने को क्यों होने लगा? उल्टी करने लगती है, मुझे लगता है ये चुड़ैल उल्टी करने वाली है, हमें तैयार रहना चाहिए। अरे भाई रुको रुको, हमें जल्दी से सारा सोना इकट्ठा कर लेना चाहिए। लगता है आपने अभी भी सबक नहीं सीखा। अजी सुनिए, आप चुपचाप यहीं खड़े रहिए, हमें बस यहाँ से बाहर निकलना है, हमें सोना नहीं अपनी जान ज्यादा प्यारी है, आप चुपचाप खड़े रहिए। पत्नियाँ हमेशा ठीक ही होती हैं, हम आदमी ही उन्हें समझ नहीं पाते। फिर जगीरा सोने के लालच के चक्कर में सोना इकट्ठा करने लगता है, तभी वो चुड़ैल उल्टी कर देती है और लल्लन और उसकी पत्नी को बाहर उगल देती है। बाहर निकलते ही वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन सोने के लालच के चक्कर में जगीरा वहीं फंस जाता है। अरे चुड़ैल तेरा नास मिटे, मैं तो यहीं रह गया, कृपा करके फिर से उल्टी करो। चुड़ैल फिर से उल्टी क्यों नहीं कर रही भगवान, मेरा लालच तो महंगा पड़ गया। भगवान अब मैं क्या करूं, यहां से बाहर कैसे निकलो? जगीरा को लालच की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।